फरुखाबाद में दूध के नाम पर लोगों को जहर पिलाया जा रहा है। जिले में दूध की कई फैक्ट्रियां हैं जो आसपास के किसानों से दूध खरीदती हैं और उन्हें चिलर पॉइंट में रखती हैं ताकि वो खराब ना हो। लेकिन जब फैक्ट्रियों का दूध खराब हो जाता है तो उसे सविचों को वापस कर दिया जाता है क्योंकि खराब दूध का कोई उपयोग नहीं होता। लेकिन जिले में दूध माफिया इन्हीं खराब दूध को खरीद लेते हैं और अपने यहाँ चिलर पॉइंट में रखते हैं और जो डेरियां दूध का पाउडर बनाती हैं उन्हें वो खराब दूध बेच देते हैं। कहाँ से कितना लिया? दो कैन लिया। कौन सी डेयरी थे? कौन सी डेयरी थे? क्या नाम डेयरी का? सीपी। सीपी है ज्ञान दूध। यहाँ से यहाँ से दो पैकेट लिया आपने? दो डिब्बी लिया है। एक डिब्बी में कितना आता है? अधिकारी ने जिसे छोड़ दिया उसका क्या नाम है जो इस गाड़ी बता जिसका दूध बता रहे हो तुम? विनोद। विनोद उसे अधिकारी ने छोड़ दिया? नहीं, वो भाग गया था। तुम तो करे अधिकारी से मिला था वो? हाँ, तो यहाँ से अधिकारी मिलके चला गया। अच्छा, मिलकर बातचीत करके चला गया। दूध उसी का है? हाँ, उसी का। विनोद का। वहीं खाद्य विभाग चेकिंग के नाम पर सैंपल को जाँच के लिए तो भेज देते हैं लेकिन दोषी खुले में घूमते हैं। उन पर कोई कार्रवाई न होने से उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। तो दूध है ये रिजेक्टेड दूध है जी। ये रिजेक्टेड दूध विभिन्न प्रकार की डेयरियाँ जो रिजेक्ट कर देती हैं जी एसिड बढ़ने की वजह से जी। हाँ, ये लोग बेच देते हैं, वही पकड़ा गया, उसको डिस्ट्रॉय कराया जाएगा जी। कहाँ से पकड़ा गया ये? अभी यहीं पर सीपी चिलिंग सेंटर जो है उसी के बगल में आपको दिख रहा है बर्फ की फैक्ट्री, वहीं पकड़ा गया ड्राइवर का। अब उन पे जो नियमानुसार कार्रवाई है, इनको चिलिंग सेंटर को नोटिस जारी किया जाएगा कि आपके प्रतिष्ठान पे कैसे बिक्री हो रही है। आप चिलिंग केवल कर सकते हैं, बिक्री नहीं कर सकते। कितने लीटर दूध? अब समथिंग 1000 लीटर, नहीं 100 लीटर के करीब है। दूध को अमृत कहा जाता था लेकिन केंद्र सरकार ने बाकायदा संसद में माना कि अमृत को मिलावटखोर विष बना रहे हैं। पूरे देश में जितना दूध बेचा जाता है उसका 68% से भी ज्यादा हिस्सा सरकारी मापदंड पर खरा नहीं उतरता। फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।